दोस्तों आप देख रहे हैं बॉलीवुड क्रेजी। आज मैं बात करने वाला हूँ आप लोगों से वो भी तड़प फिल्म के सिक्स डे के बॉक्स ऑफिस प्रेडिक्शंस के बारे में। इसके पहले आपको ये बता देना चाहता हूँ तड़प फिल्म ने पहले पांच दिनों में किस तरह कलेक्शंस किया है। चार दिनों का कलेक्शन तड़प का आप जानते ही है 15.77 करोड़ और चौथे दिन इसने 2.25 करोड़ की कमाई की थी, यानी सवा दो करोड़ की। तो मान लीजिए दो करोड़ का ऐसा कलेक्शन हुआ होगा इसके फिफ्थ डे और टोटल हो गया होगा इसका 17.77 करोड़, यानी कि 17.5 करोड़ के आसपास। और ये अपने छठे दिन 1.5 से 2 करोड़ तक कमा सकती है, ये मेरा प्रेडिक्शन है। और मेरा प्रेडिक्शन बिल्कुल कल के जितना ही है, कल जैसे मैं प्रेडिक्शन दिया वही प्रेडिक्शन मेरा आज भी है 1.5 से 2 करोड़। और इस रेंज में अगर ये फिल्म कमाती है तड़प जो ऑलमोस्ट लग रहा है, तो इसे टोटल जाके पहुंचेगा 19.27 करोड़ से लेकर 19.77 करोड़ तक, यानी कि 7 दिन के बाद इसका टोटल 21 करोड़ के आसपास टच करता हुआ नजर आएगा। और अगर एक केसी डेब्यूटेंट की फिल्म है आयन शेट्टी की, तो ये फिल्म एक हिट है। और ये भूलना नहीं है हमें कि साजिद नाडेलवाला का बैनर है, और ये भी नहीं भूलना है कि मिलन लुथिया इसके डायरेक्टर है और तारास्कर जैसे खूबसूरत हीरोइन भी इस फिल्म में है। और ये एक तेलुगु फिल्म RX100 का ऑफिशियल हिंदी रिमेक है, ये भी नहीं भूलना है। तो कुल मिला के उम्मीद करते हैं फिल्म बेहतर कमाई कर, ऑलरेडी बेहतर कमाई कर चुकी है, और इसको और कितना एक्सपेक्ट कर सकते हैं एक न्यूकमर की फिल्म से। 20 करोड़ इज टू मच राइट। यहां से फिल्म 35 करोड़ की इंची रुकने वाली नहीं है। चलिए फिलहाल कितना ही।